चंद अनीफ भाई एक आदमी होता था आपके शहर में, भाई बहुत अमीर आदमी था, बड़ा कारोबार था उसका, इतना बड़ा दफ्तर था। हर जुम्मे को हम लोगों से दो मवेशी ले जाता था और ज़बह करता था, खैरात करता था। एक दिन हमारा बाप ने उससे पूछा, उसने बोला, अनीफ भाई तुमने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया है कि माफ नहीं हो रहा है, इतना खैरात करता है हर जुम्मे को। बोला, मामा सुकून नहीं है, सब कुछ है, कारोबार है, औलाद है, दोस्त है, इज्जत है, सुकून नहीं है। हमारा बाप ने उसको बोला, अनीफ भाई ये जो तुमने सामने दीवार पे टाइम को लटकाया हुआ है ना, इसको उठाओ, इस घड़ी को उठाओ, वो जो आसमान पे घड़ी लगाया हुआ है ना अल्लाह ताला ने, उस पे चलो, देखो तुमको अल्लाह कैसा सुकून देता है। उसने बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इस घड़ी पे चलता है, तुमने वक्त को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, अपना तौर पे चलाने की कोशिश की है। खुदा ने वक्त को अपना तौर पे रखा हुआ है, उसका अपना तरतीब रखा हुआ है, तुम अपना मर्जी से सोता है, अपना मर्जी से जागता है, अपना मर्जी से कारोबार करता है, अपना मर्जी से खाता है, अपना मर्जी से पीता है, ऐसा थोड़ी है। खाने पीने उठने जागने सोने का अल्लाह ताला ने अपना एक तरतीब रखा हुआ है। जो आदमी उस तरतीब से आगे पीछे होता है उसका क्या सुकून है? उसका मैदा भी खराब है, उसके सर में भी दर्द है, उसका उठना बैठना भी बराबर नहीं है, उसका जिस्म में भी दर्द होता है। तुम्हारा भी यही मसला है क्या सर्जन? जो हम देखता है तुमको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा चेहरे के ऊपर एक परेशानी है। क्यों? क्योंकि वक्त को आपने बांधा है अपने हाथ में, आपका ख्याल है कि वक्त आपका हाथ में बंधा हुआ है, और आप उसको जानवर की तरह मवेशी की तरह अपने साथ ले जा रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वक्त तो आजाद है, तुमको वक्त के साथ चलना है, वक्त को अपने साथ नहीं चलाना है अपना मर्जी का ऊपर। हम नहीं बोलते हैं कि तुम अभी हमारा खातिर अपना सारा घड़ियां मड़ियां तोड़ दो, निकाल दो, फेंक दो, इधर उधर करो, ठीक है ना, उसको भी अपने साथ चलाओ, लेकिन वो जो सोने का उठने का बैठने का जागने का एक अपना तरतीब होता है ना, उस तरतीब को खराब नहीं करो। जब तुम उस तरतीब को खराब करोगे ना तो फिर तुम कुछ भी करो ना, तुम बेसुकून रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जिस्म बेसुकून रहेगा। अभी ये बताओ हमको, तुम आखिरी बार कब ने देखा है सूरज को तुलू होते हुए सुबह को? याद नहीं होगा ना, उसको गुरूब होते हुए भी नहीं देखा है, याद नहीं है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तुम उस वक्त के साथ नहीं है ना। देखो के सरजान, ये जो कायनात है ना, ये जो जमीन है, इसमें हर चीज हर मखलूक अल्लाह ताला का हुक्म का तौर पे चलता है, उसका वक्त के तौर पे चलता है। ऐसे इंसान को भी अल्लाह ताला ने बनाया है, उसको बताया है कि तुम किस वक्त सो, किस वक्त जागो, किस वक्त बैठो, किस वक्त आराम करो, किस वक्त कारोबार करो। अभी हम तुमको एक मिसाल देते हैं, ये हम लोग कैसा वक्त गुजारते हैं, सुबह उठा, फिर उसके बाद एक चास का वक्त हो गया, फिर एक दोपहर का वक्त हो गया, फिर सुपहर का वक्त हो गया, फिर उसके बाद शाम का वक्त होता है, फिर रात का वक्त होता है, फिर ताजुद का वक्त होता है। ये सारा वक्त का अलग अलग काम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अभी एक और मजेदार आपको बात बताऊं, इस पे गौर करो, सजदा कितना खूबसूरत है, कितना अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है, लेकिन असर से मगरिब का बीच में उसने मना किया कि सजदा नहीं करो। आखिर कोई वजह है, कोई मसलियत है। अभी तुम इधर आया है, तुम खुद देखो, तुम दूर है ये घड़ी से, तुम्हारा मोबाइल का सिग्नल भी नहीं है, तुम्हारा चीजें भी नहीं है, तुम्हें आया खुश खुशहाल है, तुमको हर चीज, आसमान भी, ये आसमान तुम्हारा शहर में भी है, तुमको इधर क्यों इतना दिखाई देता है? यही चांद तुम्हारा शहर में है, तुमने कभी आंख उठा के देखा है इसको? अल्लाह नाराज नहीं होता इतना खूबसूरत चांद निकाल रहे, कोई सर उठा के भी इसको नहीं देख रहा है। यही दुम्बे, यही परिंदे, यही तुम्हारा शहर में भी है। ये झरने का आज जो आवाज था, ये आबशार का, इसको जो तुम सुन रहा था, ये सारा का सारा जो है ना, दिमाग किस वक्त खुलता है? क्यों? क्योंकि आज हमने तुमको सुबह सवेरे उठाया है ना, हमारा टाइम पे खाना तुमको टाइम पे दिया, अभी सोएगा तुम टाइम के ऊपर, अभी दरख्त है, तुम कुछ भी करो, दुनिया का बड़ा लाइट लगाओ, लेकिन
वो जो उसने हवा रात को देना वो वाला हवा देगा, जो उसने दिन को हवा देना वो दिन को देगा, वो उसका ताबे है। फरमान बरदारी ये होता है भाईजान, हर चीज का फरमान बरदारी करो, कुदरत के वक्त का भी फरमान बरदारी करो, खाली दो चार इबादत करना फरमान बरदारी नहीं होता है, अपने आप को पूरा उसका हवाले करना, उसका तरतीब पे चलना जो है ना वो फरमान बरदारी होता है। वो जो आदमी ये सारा फरमान बरदारी करता है ना उसी को सुकून मिलता है। क्या सर जान, वक्त बांधने की चीज नहीं है, वक्त के साथ चलने की चीज है। वक्त ऐसा चीज नहीं है कि तुम उसको अपना हाथ में बांधो, उसका अपना कैद में करो, तुम वक्त के साथ चलो, तुम खुद को वक्त का कैदी बनाओ। वो वक्त जो खुदा का वक्त है, वो औकात जो खुदा ने पैदा किया है।